नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हुंडा ने अपने ढांचा स्कूटर डियो को बड़े बदलाव और पावरफुल इंजन के साथ डियो 125 के रूप में लॉन्च कर दिया है। इसके अंदर आपको मिलने वाले 3 वेरिएंट और 8 कलर। और इस वीडियो में हम देखने वाले स्कूटर का परफॉर्मेंस क्या रहने वाला है, कि इसकी पावर कितनी है, इसका माइलेज कितना है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स कंपनी ने ऐड किए, इसका कम्फर्ट कैसा है और क्या ये स्कूटर वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है 2024 के अंदर। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर इसके डिजाइन की बात करें तो इसका जो न्यू कलर पैटर्न है, ये ग्रीन और ब्लैक वाला, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रोड पे दिखने वाला है। जो उसका पुराना वेरिएंट था 110cc का, सेम उसी की तरह थोड़ा बहुत इसका डिजाइन है। बस इसके अंदर अभी एप्रन माउंटेड हेडलाइट आ चुका है और फ्रंट में आपको मिलने वाले टर्न इंडिकेटर्स, काफी शार्प इसका डिजाइन है। इसके बॉडी पैनल्स बहुत ज्यादा शार्प है और बहुत ज्यादा स्पोर्टी और एक एग्रेसिव डिजाइन ये आपको देने वाला है, जो कि होंडा डियो की शुरू से पहचान रही है। और काफी ज्यादा एजी हेडलैम्प और स्लीक पोजिशन लैम्प के साथ ही आती है। और इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो इसके ऊपर मिलने वाला है क्रोम का मफलर, बाकी इसमें आपको मॉडर्न टेल लैम्प मिलेगा। नया स्प्लिट ग्रैब रेल इसके अंदर कंपनी ने ऐड कर दिया है। जो डिस्क ब्रेक का डिजाइन है वो वेव डिस्क ब्रेक का डिजाइन है। एलॉय व्हील्स, नए ग्राफिक्स और नया लोगो इस मोटो स्कूटर को बहुत ज्यादा स्पोर्टी कैरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा एग्रेसिव इसे दिखने में बनाता है। और ये नई होंडा डियो 125 में स्मार्ट फाइंड, स्मार्ट अनलॉक, स्मार्ट स्टार्ट, स्मार्ट सेव समेत काफी सारी एडवांस टेक्नोलॉजी का इसके अंदर जो है कंपनी ने इस्तेमाल किया है। अब अगर बात करें इसके इंजन की और परफॉर्मेंस की, तो होंडा डियो 125 में आपको OBD2 कंप्लेंट 125cc का इंजन लगाए, जो कि एक एडवांस स्मार्ट पावर जनरेटर के साथ आता है। इसके अंदर साइलेंट स्टार्ट मोटर लगाई गई है, जिसकी वजह से गाड़ी जो है बहुत ज्यादा साइलेंटली स्टार्ट होती है। और जो पुराना डियो 110cc का आता था, ये अभी आपको मिलने वाला है 125cc का स्कूटर, जो आपको 8 BHP की पावर और 10 किलोमीटर का टॉर्क देगा। और इसके माइलेज की बात करें तो ये लगभग आपको 48 किलोमीटर का एवरेज जो है सिटी के अंदर देगा। और इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है 85 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 85-90 इसकी टॉप स्पीड रहने वाली है। ये सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जो कि आता है प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन के साथ। अब अगर बात करें इसके फीचर्स की, तो भाई न्यू होंडा डियो 125 में फुली डिजिटल मीटर लगाए, जिसके अंदर रेंज, मतलब कि टैंक के अंदर मौजूदा फ्यूल से आप कितनी लंबी दूरी और तय कर सकते हैं, मतलब आप कितना किलोमीटर और आगे जा सकते हैं, एवरेज फ्यूल इफिशियंसी और रियल टाइम फ्यूल इफिशियंसी, जैसे 3 रियल टाइम इंफॉर्मेटिव आपको इसके अंदर मिलते हैं। इसके डिस्प्ले में आपको मिलेगा ट्रिप मीटर, क्लॉक, साइड स्टैंड इंडिकेटर और बैटरी इंडिकेटर, इको इंडिकेटर और सर्विस ड्यू इंडिकेटर के साथ माल फंक्शन लाइट जैसे कूल फीचर्स आपको ये स्कूटर के अंदर भी मिलने वाले। और डियो 125 आइडलिंग स्टॉप सिस्टम के साथ आता है, जो इंजन को ट्रैफिक लाइट या छोटे स्टॉप लेने पे अपने आप ही बंद कर देता है, जिससे आपका जो फ्यूल है वो थोड़ा बहुत बच जाता है। और जिससे आप रेस दोगे तो अपने आप आपका स्कूटर जो है ऑन हो जाएगा, जिससे आपको बार बार ट्रैफिक पे अपनी की बंद चालू बंद करने की नौबत नहीं आएगी, अपने आप स्कूटर बंद हो जाएगा और हल्का सा रेस देते ही आपकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर बात करें इसके की सिस्टम की, तो भाई ये बहुत बढ़िया है कि इसके अंदर आपको रिमोट की मिलने वाली है, मतलब आपको पहले सिस्टम था भाई चाबी लगाने का, वो बंद हो चुका है इसके अंदर। अगर आपने घर पे आपका गैस देखा होगा, गैस स्टोव, उसमें जिस तरह की रहती है भाई हम दबा के प्रेस करते, सेम उसी तरह आपको यहाँ पे प्रेस करना है। और सीट का और फ्यूल का अलग से बटन यहाँ पे दे रखा है, जो कि आपको यामा एरोस के अंदर मिलता है। तो अगर आप इसको इस तरह घुमाओगे तो आपकी जो गाड़ी है वो ऑन हो जाएगी, और अगर आप सीट के बटन को प्रेस करोगे तो भाई ये देखो इस तरह आपकी सीट खुल जाएगी। काफी बढ़िया स्पेस आपको इसके अंदर मिलता है, अपना एक फुल साइज हेलमेट और बाकी और छोटा मोटा जो सामान है वो इसके अंदर आप रख सकते हो। और सीट काफी आसानी से बंद भी हो जाती है, ज्यादा कुछ इफर्ट देने की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली, बस हल्का सा आपको ऊपर से प्रेस करना पड़ेगा। और सेम उसी तरह अगर आप इसका नीचे बटन प्रेस करोगे, जो फ्यूल का बटन है, उसे प्रेस करने से आपका फ्यूल नॉब खुल जाएगा। लेकिन एक इसमें दिक्कत यह है कि भाई आपको इसमें एक्सटर्नल फ्यूल नॉब तो दे चुका है, सिर्फ इसकी जो पोजीशन है वो पीछे है, लेकिन उसे खोलने के लिए आपको खुद अपने हाथों से खोलना पड़ेगा। ये देखो, ये अंदर से आपको हाथों से खोल के फिर इसमें फ्यूल भरना पड़ेगा और फिर आपको वापस मैनुअली बंद करके जो इसको ऊपर से बंद करना पड़ेगा। तो ये भाई थोड़ा सरदर्द हो चुका है, जैसा कि जुपिटर के अंदर आता है, आपको बस की घुमानी है और जो आपका फ्यूल नॉब खुल जाएगा, डायरेक्ट उसमें पेट्रोल वाला फ्यूल भरेगा और हाथों से बंद करके जो आपका फ्यूल नॉब बंद हो जाएगा, तो आपको सीट के नीचे से उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके अंदर ये सरदर्द आपको थोड़ा होने वाला है। और सामने मिलेगा आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे आपको मिलने वाला है 3 स्टेप एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन। और सेंट्रल ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर यूज किया है, मतलब अगर आप पीछे वाला ब्रेक दबाओगे तो दोनों ब्रेक आपके साथ में काम करेंगे। और आगे आपको मिलेगा 12 इंच का टायर और पीछे आपको मिलेगा 10 इंच का थोड़ा मोटा टायर, और दोनों टायर आपको मिलने वाले ट्यूबलेस। इसके अंदर आपको मिलने वाला है फ्रंट में डिस्क ब्रेक, पीछे आपको मिलेगा ड्रम ब्रेक। और भाई कंफर्ट की बात करें तो सीट काफी ज्यादा चौड़ी है और काफी ज्यादा प्लस इसकी कुशनिंग है, और आपको काफी बढ़िया सपोर्ट मिलने वाला है राइडर के लिए भी और पिलियन पैसेंजर के लिए भी। अब अगर बात कर ले इसके प्राइस की, तो जो इसका बेस वेरिएंट है तो उसकी एक शोरूम प्राइस है 83,083,000, और जो उसका ये स्मार्ट वेरिएंट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसकी एक शोरूम प्राइस है 91,000। और लगभग 110,000 तक ये स्कूटर आपको ऑन रोड पड़ेगा, आपकी सिटी के हिसाब से जो आपकी प्राइस है वेरी करेगी। मैं आपको सिर्फ ये कंपनी की तरफ से बताया प्राइस जो है वो बता रहा हूँ। तो क्या ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है? अगर देखा जाए तो 2024 की होंडा डियो 125 काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ शुरू होती है। जो उसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसकी प्राइस काफी बढ़िया है, काफी वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन जो ये स्क्रीन पे आपको देख रहे हो इसका स्मार्ट वेरिएंट, इसमें फीचर्स भाई बहुत ज्यादा हाईटेक है, बहुत ज्यादा लेटेस्ट है, लेकिन थोड़ी इसकी प्राइस जो है थोड़ी बहुत आपको महंगी लग सकती है, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें
एक काफ़ी बढ़िया स्टाइलिश और फ्यूल इफिशियंट स्कूटर है डेली सिटी में यूज़ करने के लिए, और ये आपको काफ़ी बढ़िया बैलेंस देगा परफॉर्मेंस का, फीचर्स का, कंफर्ट का। और 125 सीसी में काफ़ी बढ़िया ये भी कंटेंडर बनने वाला है सुजुकी की एक्सेस 125 और टीवीएस की एंटॉक 125 का। तो अगर आप एक रिलायबल फीचर पैक स्कूटर देख रहे हो आपकी डेली राइड के लिए, तो होंडा डियो 125 डेफिनेटली एक बार चेक कर लेना। और अगर आपके पास ये स्कूटर है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि जो वीडियो देख रहे, जो कमेंट पढ़ रहे, उनको थोड़ा बहुत आइडिया आए और आपसे उनको थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस मिले। और जाने से पहले भाई कमेंट किए बिना मत जाना आपको स्कूटर कैसा लगा, और आप वीडियो देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो भाई इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते, तो वीडियो के लिए एक लाइक और चैनल के लिए सब्सक्राइब तो बनता ही है, ताकि आप ऐसी डेली लेटेस्ट वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में।